हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं JBL JRX 100 सीरीज का JRX 125 पैसिव स्पीकर सिस्टम को। एक्चुअली JBL की तरफ से ये वाला मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका एक नया मॉडल निकल के आ चुका है जो है JRX 200 सीरीज, और इस मॉडल का नाम अभी है JRX 225। इन दोनों मॉडल में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताया जाए कि अगर आप खरीदना चाहते हैं JRX 200 सीरीज का JRX 225 टॉप को, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये आपके लिए किस तरह का रहेगा। ये एक 500 वॉट का कंटिन्यूस पावर का पैसिव टॉप है और इसका जो पिक पावर है वो 2000 वॉट है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों JBL JRX 100 सीरीज का JRX 125। ये एक पैसिव टॉप है। इसमें दो 15 इंच के स्पीकर और एक चिप डले हुए हैं। इसका कंटिन्यूस पावर 500 वॉट है और इसका पिक पावर 2000 वॉट है। ये वाला मॉडल JBL की तरफ से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका एक नया मॉडल निकाला गया है जो है JRX 200 सीरीज, और इस मॉडल का नाम है JRX 225। इसमें और उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज आपको 35 हर्ट्ज से लेके 16 किलोहर्ट्ज तक का मिल जाती है। 133 dB तक का इसका सेंसिटिविटी है। ये एक फ्रीवे पैसिव टॉप है। इसमें दो 200 वाट के स्पीकर डले हुए हैं और एक 60 वाट का चिप डला हुआ है। इसके बैक प्लेट में एक स्पीकॉन कनेक्टर इनपुट के लिए रखा गया है, और इसमें डेजी चेन करने के लिए वो क्वार्टर इंच जैक में दिया गया है और JRX 100 लिखा हुआ है। JBL हमेशा से माना जाता है अपनी क्वालिटी साउंड की वजह से। इस स्पीकर का रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है, लेकिन ये कम वाटेज होने के कारण मैं इसको स्मॉल सेटअप या फिर इंडोर या फिर साइड फिलर के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। JRX 125 को हम इस एम्पलीफायर के साथ और इस मिक्सर के साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं। ये ऑडियो सेंटर का पावर एम्पलीफायर है और ये है न्यूमार्क M4 डीजे मिक्सर। ये डीजे मिक्सर काफी रिलायबल है, इसकी बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसको मैं पर्सनली यूज भी कर चुका हूँ और अभी भी मैं न्यूमार्क M4 को यूज भी कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ये किस तरह का रिस्पॉन्स दे देता है। तो दोस्तों, ये था JRX 125 टॉप। इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक छोटा सेटअप है, या फिर अगर आप इंडोर का काम करते हैं तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा सुनने में मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए क्योंकि हम वहां पे भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।